दिस इज 92.7 बिग एफएम। आज की शुरुआत चार लाइनों के साथ। रोज सवेरे दिन का निकलना शाम में ढलना जारी है, रोज सवेरे दिन का निकलना शाम में ढलना जारी है, जाने कब से रूहों का ये जिस्म बदलना जारी है, रोज सवेरे दिन का निकलना शाम में ढलना जारी है, जाने कब से रूहों का ये जिस्म बदलना जारी है, तपती रेत पे दौड़ रहा है दरिया की उम्मीद लिए, तपती रेत पे दौड़ रहा है दरिया की उम्मीद लिए, सदियों से इंसान का अपने आप को छलना जारी है। मुझे उम्मीद है कि ये पंक्तियाँ आप भी समझ गए होंगे, महसूस किया होगा आपने इस शायरी में छुपी हुई सच्चाई को। शुरू करता हूँ वो शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज जिन स्टोरीज से आपका मनोरंजन करूँगा वो कुछ इस प्रकार है। स्कूल में मैथमेटिक्स टेस्ट के डर ने एक अभिनेत्री को किया पेट दर्द का बहाना बनाने को मजबूर। साथ ही बताऊंगा शशि कपूर के बेटे की बात सुनकर क्यों भर गईं नंदा की आंखें। इसके साथ होंगे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, और दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेत्री जरीना वहाब को। और मेहरबान दोस्तों, आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा हम गुजरे हुए हफ्ते में कर चुके हैं। नाम दिया है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रिश्ता पक्का है। इसमें हम फिल्म इंडस्ट्री की दो हस्तियों का, फिल्म इंडस्ट्री की दो सेलिब्रिटीज का, दो शख्सियत का, दो व्यक्तियों का फैमिली कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये फैमिली कनेक्शन हो सकता है बहुत दूर का रिश्ता हो, ये फैमिली कनेक्शन एक ऐसा रिश्ता हो संभवतः जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी होगा फैमिली कनेक्शन। आज से नया सेगमेंट शुरू हो रहा है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रिश्ता पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं नए सेगमेंट के साथ आज का सुहाना सफर। प्रस्तुत है ये गीत। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बात उन दिनों की है जब शबाना आजमी क्वीन मैरी स्कूल में पढ़ा करती थी। शबाना आजमी बाकी सब्जेक्ट्स में तो ठीक ठाक थी, लेकिन गणित मैथमेटिक्स में बहुत ही हाथ तंग था, बहुत कमज़ोर थी। जब भी मैथमेटिक्स की क्लास होती शबाना आजमी को बड़ी दिक्कत आती थी। तब शबाना आजमी भी किसी न किसी बहाने इस पीरियड से पीछा छुड़ाने में लगी रहती थी। एक बार मैथ्स का टेस्ट होने वाला था, शबाना यूं भी तैयार नहीं थी और इस टेस्ट के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने तुरंत एक बहाना तैयार कर लिया। टेस्ट शुरू होने से कुछ देर पहले शबाना आजमी ने कहा, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, सख्त पेट में दर्द हो रहा है। दरअसल ये नाटक ही था। क्लास टीचर को शबाना आजमी की बात पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपना शक दूर करने के लिए उन्हें स्कूल के ही हेल्थ सेंटर में लेकर गई। यहां शबाना ने और तीव्रता के साथ प्रबल अभिनय करना शुरू कर दिया। तबीयत सबको लगा कि ज्यादा बिगड़ गई है। तबीयत ज्यादा बिगड़ते देख स्कूल प्रशासन ने स्कूल के पास ही रहने वाली शबाना आजमी के आंटी को बुलवाया और वो उन्हें लेकर जे हॉस्पिटल में भर्ती करने पहुंच गई। इस तरह शबाना आजमी ने उस दिन बहाना करके मैथमेटिक्स के टेस्ट से अपना पीछा छुड़ाया। मगर किस्मत का खेल देखिए कि मैथ से बचने के लिए एक्टिंग करने वाली शबाना आजमी को क्या पता था कि एक दिन उन्हें उनकी एक्टिंग की वजह से ही मैथमेटिक्स टीचर की भूमिका करने को मिलेगी। हाल ही में शबाना ने फिल्म चौक और डस्टर में एक मैथमेटिक्स टीचर का रोल किया है जिसे लोगों ने बड़ा सराहा। रोल करना आसान है, गणित का एक्चुअल टेस्ट देना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए एक्टिंग को हम मेक बिलीव का वर्ल्ड मानते हैं। एक्टिंग का रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। हर आई नंदा की आंखें, सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर में ये कहानी। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। शशि कपूर का करियर शुरुआती दौर में
कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। तकरीबन 10 फिल्में करने के बावजूद कामयाबी अभी भी उनसे कोसों दूर थी। तभी एक फिल्म आ गई, जब जब फूल खिले। शशि कपूर के नाम पर उस जमाने की स्टार एक्ट्रेस काम करने से कतराने भी लगी थी, लेकिन जब जब फूल खिले के लिए सुपरस्टार नंदा ने शशि कपूर के साथ काम करने के लिए स्वीकृति दे दी। शशि कपूर नंदा के एहसानमंद हो गए। फिल्म आई, हिट हो गई, सुपर हिट हो गई। फिल्म भी हिट, गाने भी हिट, और साथ साथ हिट हो गए शशि कपूर और बन गए वो स्टार। लेकिन वो हमेशा नंदा के इस एहसान को कभी भूले नहीं, हमेशा दुनिया के सामने जताते रहे, बताते रहे, कहते रहे कि शी इज माई लकी चार्म, मैं नंदा की वजह से ही एस्टैब्लिश हुआ। बहुत बड़ी बात है ये कहना, इस सच्चाई को कहना। ये बात शशि कपूर की ईमानदारी और विनम्रता का सबूत है। तकरीबन 15 साल बाद नंदा एक फिल्म में काम कर रही थी, नाम था आहिस्ता आहिस्ता। इस फिल्म में नंदा हीरोइन नहीं थी, बल्कि वो हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरे की माताजी का रोल प्ले कर रही थी। फिल्म के हीरो थे शशि कपूर के पुत्र कुणाल कपूर। शूटिंग के पहले दिन कुणाल सेट पर पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने नंदा को देखा, भाग कर उनके पास आए और तुरंत झुककर नंदा के पैर छू लिए। नंदा थोड़े असमंजस में थी, पूछा, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? तो कुणाल कपूर ने बड़े आदर और सम्मान के साथ जवाब दिया, हम बचपन से अपने पापा के मुंह से सुनते आ रहे हैं कि आप उनकी लकी चार्म हैं। पापा जब भी आपका नाम लेते हैं बहुत आदर और सम्मान के साथ लेते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि आपने उनके साथ अगर फिल्म करने की स्वीकृति नहीं दी होती तो उन्हें कामयाबी पाने के लिए शायद कुछ और सालों तक भटकना पड़ता। कुणाल की बात और शशि कपूर की विनम्रता का चर्चा, ये दोनों चीजें नंदा को गहरे उतर गईं, दिल को छू गईं, और उस ग्रेट एक्ट्रेस की भी आंखें इस बात को सुनकर नम हो गईं। लोग थे जिनका अपना चरित्र और किरदार बहुत आला दर्जे का हुआ करता था। आज नंदा जी हमारे बीच में नहीं हैं, हमारे बीच में अभी भी हैं शशि कपूर। वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, यही प्रार्थना है। मुझे मालूम नहीं शशि साहब ये कार्यक्रम सुनते हैं या नहीं, उम्मीद करता हूं कि नहीं सुनते होंगे, लेकिन उनके परिवार का कोई भी सदस्य सुन रहा हो तो वो ये दर्ज करें, नोट करें कि ये किस्सा सुनाते हुए हम सब बहुत ही इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें लिसनर्स हमको फोन लगाएंगे और करेंगे हमसे बातचीत। ये बातचीत बस थोड़ी ही देर में, आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। हेलो हेलो, नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार अनु जी, मेरा प्रियंका है, मैं बैंगलोर से कॉल कर रही हूँ। अरे वाह, स्वागत है आपका, अभी बैंगलोर वासियों का स्वागत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तो हम बैंगलोर होके आए थे, जहाँ पर 92.7 बिग एफएम पर हिंदी हिंदी प्रोग्राम भी वो शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वेरी नाइस अनु जी, वेरी नाइस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ग्रेट ऑनर टू स्पीक विद यू सर, रियली सेम हियर, थैंक यू सो मच। और अनु जी, आप क्या करती हैं, वहाँ स्टडी कर रही हैं? हाँ, मैं बैंगलोर में, आई एम टोटली इनटू म्यूजिक अनुजी, हियर इन बैंगलोर में एक कर्नाटिक म्यूजिक कॉन्सर्ट आर्टिस्ट हूँ, यूट्यूब कवर आर्टिस्ट भी हूँ, और कनाडा मूवी इंडस्ट्री में एक प्लेबैक सिंगर भी हूँ। वाह 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 वाह, मुबारक, अरे वाह वाह वाह, मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मैं एक सेलिब्रिटी से बात कर रहा हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, नहीं बिल्कुल, एवरीथिंग बाय गॉड्स ग्रेस सर, एवरीथिंग बाय गॉड्स ग्रेस। जी जी, दो लाइनें तो सुना दीजिए कुछ। ठीक है सर, मैं एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है जी, वो है लेजेंडरी आर डी बर्मन साहब की म्यूजिक डायरेक्शन का एक सॉन्ग जी, द ग्रेट गैम्बलर मूवी का, दो लफ्जों की है दिल की कहानी जी, तो वो गाना अपनी आवाज से आपको सुनाना चाहती हूँ, अगर आपको कोई एतराज नहीं। नहीं नहीं, मुझे एतराज नहीं, हमारा सौभाग्य जी। थैंक यू ऑलवेज। ये कश्ती वाला क्या गा रहा है,
कोई भी याद आ रहा है, कश्ती वाला क्या गा रहा है, कोई से भी याद आ रहा है. La 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 la. Kisi purani, yaad purani, yaad hai mohabbat, yaad hai jawani. Dil dukhi hai, dil ki kahani, yaad hai mohabbat. वाह वाह प्रियंका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. कुछ और कुछ कहना चाहती हैं, अपने भाव व्यक्त करना चाहती हैं तो प्लेटफॉर्म आपका. अनु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ. इनफैक्ट आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग यू ऑन टीवी, इन मूवीज, एंड इन सबके बाद यू आर बैक विद सच अ ग्रेट शो लाइक सुहाना सफर. I feel so happy. I'm a big fan, Anuji. Really. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. आप खूब तरक्की करें, खूब प्रसिद्धि मिले, खूब नाम हो आप. Thank you so much, Anuji. Thanks a lot. Thank you. अगला सेगमेंट होगा दिल ने फिर याद किया. आज याद करेंगे एक्ट्रेस जरीना वहाब को. मिलते हैं थोड़ी ही देर में. आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम. दिल ने फिर याद किया. आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेत्री, मशहूर अदाकारा जरीना वहाब को. सुश्री जरीना वहाब का जन्म 17 जुलाई 1959 को विशाखापट्टनम के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था. जरीना वहाब के अलावा परिवार में उनकी दो बहनें और एक भाई था. पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनय का कोर्स करने के दौरान जरीना की मुलाकात हुई राज कपूर से. राज कपूर से अपने लिए किसी तरह के कॉम्प्लीमेंट न मिलने के बावजूद जरीना अपने अपीयरेंस पर, खुद पर ध्यान देती रहीं, काम करती रहीं, लोगों से मिलती रहीं, फंक्शंस में जाती रहीं. मेहनत रंग लाई और जल्दी ही जरीना वहाब को नवकेतन की फिल्म इश्क 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 में मिल गया ब्रेक. फिल्म में इन्होंने प्रेमा का रोल किया था. इसके बाद जरीना ने अनोखा और रईस ज्यादा फिल्मों में काम किया, मगर उनकी पहचान बनी बासु चटर्जी की फिल्म चितचोर से. फिल्म में जरीना के अपोजिट थे अमोल पालेकर. आगे चलकर जरीना वहाब ने घरौंदा, अनपढ़, सावन को आने दो, सलाम मेम साहब, दो हवलदार, टैक्सी चोर, प्यार की मंजिल, करवट, दर्द दिल, हंसते खेलते जैसी कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया. 1986 में आई टीवी फिल्म कलंक का टीका में जरीना की मुलाकात हुई आदित्य पंचोली से. दोनों करीब आए और इसी साल जरीना ने अपने से उम्र में 6 साल छोटे आदित्य पंचोली से विवाह कर लिया. आदित्य और जरीना जी की दो संतानें हैं. बेटा सूरज हीरो है और बेटी का नाम है सना पंचोली. शादी के बाद जरीना ने परिवार पर ज्यादा ध्यान दिया, फिल्मों से ब्रेक ले लिया. हिंदी फिल्मों के अलावा जरीना वहाब ने नवरथिनम, नैया, स्वातु, पालंगल, फुटबॉल और वीदू जैसी तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया. लंबे ब्रेक के बाद जरीना ने फिर से एक्टिंग की शुरुआत की और किसना, माय नेम इज खान, रक्त चरित्र, अग्निपथ और दिल धड़कने दो जैसी फिल्मों में वो नजर आईं. बहुत अच्छा काम किया. फिल्मों से अलग जरीना वहाब ने टीवी पर कोहिनूर, कश्मकश जिंदगी की, मायका, यहां मैं घर घर खेली और विरुद्ध जैसी सोप में भी काम किया. जरीना वहाब अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं और अभी भी फिल्मों में सक्रिय हैं. उनकी एक फिल्म ये तो टू मच हो गया जल्दी ही रिलीज होने वाली है. वो इसी तरह काम करती रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों. जितनी भी चिंताएं हैं परिवार को लेकर, संतान को लेकर, यही प्रार्थना है कि वो चिंता मुक्त हों, सब कुछ उनके परिवार में ठीक ठाक रहे. ईश्वर से यही कामना है. अगर आप ये शो सुन रही हो तो जरीना जी, हमने आपको याद किया, बहुत मोहब्बत के साथ हमारे सलाम कबूल करें. आज से नया एक सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं.
दो व्यक्ति हैं, ये दोनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई शख्सियत हैं, सेलिब्रिटी नंबर वन और सेलिब्रिटी नंबर टू। इन दोनों सेलिब्रिटीज में एक पारिवारिक रिश्ता है, एक फैमिली कनेक्शन है, और ये जो फैमिली कनेक्शन है इस वजह से रिश्ता पक्का है। पक्का रिश्ता है, हो सकता हो कितने ही दूर का हो पर रिश्ता पक्का है। आप देखते हैं अंग्रेजी में मौसी आंटी हैं, मामी भी आंटी हैं, बुआ जी भी आंटी हैं, चाची भी आंटी हैं, सभी आंटी हैं, परंतु हमारे देश में रिश्तों का ऐसा पास है, रिश्तों की इतनी मर्यादा है, हर रिश्ते का अपना एक नाम है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं मौसी का मतलब है माँ जैसी, यानी कि हमारी जो माता है उसकी बहन को हम मौसी कहते हैं, या बुआ हमारे पिता की बहन को हम बुआ कहते हैं, चाची मतलब हमारे पिताजी के छोटे भाई जो हैं हमारे चाचा हुए, काका भी उनको बोलते हैं, उनकी पत्नी को चाची कहते हैं। चाची की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। मामी, मामी मतलब माताजी के जो भाई हैं उनकी पत्नी हमारी मामी हुई। हर रिश्ते का अपना नाम है, विविधता है। इसी रिश्ते नाते को ख्याल में रखते हुए इस सेगमेंट की परिरचना हमने की है, और आज इस सेगमेंट में हम दो सेलिब्रिटीज के बीच का एक रिश्ता आपको बताएंगे, फैमिली कनेक्शन। नाम रखा है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में, रिश्ता पक्का है। क्या फैमिली कनेक्शन है शक्ति कपूर का लता मंगेशकर के साथ? हाजिर होता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन। नया सेगमेंट आज से शुरू करने जा रहा हूं, दो सेलिब्रिटीज के बीच में क्या फैमिली कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है रिश्ता बहुत दूर का हो, हो सकता है जो रिश्ता बन रहा है उस रिश्ते को हम कोई नाम ना दे सकें, परंतु फिर भी फैमिली कनेक्शन है। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन, नए सेगमेंट की शुरुआत। तो आज का प्रथम फैमिली कनेक्शन है, रिश्ता पक्का है, क्या फैमिली कनेक्शन है शक्ति कपूर का लता मंगेशकर के साथ? सुनिए आप, शक्ति कपूर गुजरे जमाने के मशहूर मारूफ एक्टर, हीरो, एक्टर, खलनायक, हास्य अभिनेता शक्ति कपूर। शक्ति कपूर की धर्मपत्नी का नाम है शिवांगी कपूर, जो जिनका मेडन सरनेम था शिवांगी कोल्हापुरे। ये तीन बहनें शिवांगी, पद्मिनी और तेजस्विनी। शिवांगी के माता पिता, माताजी का नाम है श्रीमती निरुपमा कोल्हापुरे और पिताजी श्री पंढरीनाथ कोल्हापुरे। सो शक्ति कपूर की धर्मपत्नी श्रीमती शिवांगी कपूर, उनके पिताजी श्री पंढरीनाथ कोल्हापुरे। पंढरीनाथ कोल्हापुरे हैं पुत्र श्री कृष्णराव और श्रीमती विजेता कोल्हापुरे के, और विजेता जो कोल्हापुरे बन गई थी उनके भाई का नाम दीनानाथ मंगेशकर। सो विजेता के भाई का नाम दीनानाथ मंगेशकर, और दीनानाथ मंगेशकर की सबसे बड़ी संतान जिसे पूरी दुनिया लता मंगेशकर के नाम से जानती है। रिपीट कर देता हूं, शक्ति कपूर की पत्नी शिवांगी, शिवांगी के पिता पंढरीनाथ कोल्हापुरे, पंढरीनाथ कोल्हापुरे की माताजी विजेता, विजेता के बड़े भाई दीनानाथ मंगेशकर की बेटी लता मंगेशकर। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन। आज लाखों करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम बहुत सफलता के साथ 3 साल पूरे करने जा रहा है। वो पटना हो, गाजीपुर हो, हाजीपुर हो, मोतिहारी हो, छपरा हो, बलिया हो, आरा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, बहराइच हो, गोरखपुर हो, पुणे हो, सतारा हो, इस्लामपुर हो, सांगली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, वडोदरा हो, अहमदाबाद हो, ढाबोई हो, राजपीपला हो, नवसारी हो, सूरत हो, कुछ भी हो, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपका और मेरा रिश्ता पक्का है। सो क्या हुआ, हम ब्लड से नहीं जुड़े हुए तो क्या हुआ, लेकिन आत्मा से और दिल से तो जुड़े हुए हैं। अन्नू कपूर का आपसे रिश्ता पक्का है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आज मुंबई से अभिषेक भट्ट ने प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न मुझसे ही पूछा गया है और मेरे बारे में ही पूछा गया है।
उन्होंने लिखा है कि कहीं किसी इंटरव्यू में पढ़ा जहां आप अपने सीनियर्स के बारे में कुछ कह रहे थे, कृपया इस पे प्रकाश डालें। ये सवाल तो मेरे बारे में ही पूछा है। मैं हाजिर होता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आज मुंबई के अभिषेक भट्ट ने मुझसे ही प्रश्न पूछा है मेरे बारे में। उन्होंने पूछा है कि कहीं किसी इंटरव्यू में पढ़ा जहां आप अपने सीनियर्स के बारे में कुछ कह रहे थे, कृपया इस पर प्रकाश डालें। हाँ, मुझसे पूछा गया आपको किसके साथ काम करने में मजा आया, और शायद किसी इंटरव्यू में पूछा गया होगा। तो मैं मेरे 34 साल के करियर में जो बेस्ट सीनियर्स मुझे जो मिले हैं, बेस्ट सीनियर्स, उनमें सर्वप्रथम नाम है स्वर्गीय अमरीश पुरी का। बहुत ही प्यार, बहुत आदर, बहुत मोहब्बत, आशीर्वाद। फर्स्ट डे ही मुझे अच्छी तरह मालूम है, दैट वाज 2 सितंबर 1982। फिल्म का नाम मंडी, हैदराबाद के पास मौलाली में शूटिंग कर रहे थे और उन्होंने कहा तेरे जूते नए लग रहे हैं, इसको एजिंग करना चाहिए, और खुद पत्थर लेकर उसको वो करने लगे थे। सो प्रणाम करता हूँ, याद करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ स्वर्गीय अमरीश पुरी। और उसके बाद जो बेस्ट सीनियर मिले वो डैनी डेंगजोंगपा, एक फिल्म थी योद्धा। उनको लगा कि ये जो 2.5 पेज का सीन है, राहुल रवेल ने डायरेक्ट की थी ये, मैं उनका असिस्टेंट बना था। कह लगे मेरा असिस्टेंट बोलेगा पूरा, अच्छा खासा सीन है वो, के सिंह का लिखा हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अन्नू को बोलना चाहिए, कायदे से पूरा का पूरा सीन उठा के दे दिया, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं इस तरह से। तो उनके साथ जब भी काम किया, श्री डैनी डेंगजोंगपा के साथ, बहुत ही प्यार, बहुत ही प्यार, बहुत ही मैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहा हूँ जिस ऑर्डर में मैंने उनके साथ काम किया था। फर्स्ट अमरीश पुरी के साथ 82 में काम किया, इनके साथ मैंने काम किया उसके बाद, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मेरे बेस्ट सीनियर, उनका नाम है श्री अमिताभ बच्चन। कहीं किसी जगह पर ये महसूस नहीं होने दिया कि वो ग्रेट अमिताभ बच्चन है। सबसे पहले काम किया था 87 में है, बल्कि इत्तेफाक से अभी मैं कुछ दिन पहले गोवा में शूट कर रहा था। मैं उस दुकान के पास से गुजरा जहां वो मैं आज़ाद हूं, मैं पत्थर मार के कांच तोड़ता है, तो मुझे अमित जी की याद आ गई। मैंने कहा अपने स्टाफ से, मैंने कहा देख याद है यहां पर वो सीन हुआ था। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही संतुलित आदमी है वो, बहुत ही और वो खुद इतने बड़े कलाकार हैं कि उनको इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अमिताभ बच्चन थोड़े किसी से इनसिक्योर होगा, लेकिन ना पैटर्नाइज किया, ना ये कहा कि तुम ऐसे कर लो, और ना ही बहुत ही, ये तीन लोग जो हैं, श्री अमिताभ बच्चन, श्री डैनी डेंगजोंगपा और स्वर्गीय श्री अमरीश पुरी, मैं कह रहा हूं इनके जैसे सीनियर हर न्यू कमर को मिले तो शायद वो अपने जीवन में बहुत तरक्की कर जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलने का समय हो गया है, फिर आपसे भेंट होगी इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें, दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।